जेंटलमैन, मैं हूं दिनेश, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का गाइड। आज मुंबई दर्शन के लिए निकले हैं आप लोग। दोस्तों, मुंबई के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, यहाँ की बारिश के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, मुंबई में मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी ना देखी हो। तो एक नजर इधर घुमाइए। यह है मुंबई के समुंदर का सबसे खूबसूरत किनारा, नरीमन पॉइंट। एंड दिस इज क्वींस नेकलेस। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये। आप पहली बार आई हैं मुंबई? हाँ जी। तो कैसी लगी हमारी मुंबई और यहाँ के लोग? मुंबई के बारे में जैसा सुना था वाकई ही वैसे ही है, और वैसे ही यहाँ के लोग भी। मतलब बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। क्या आप मेरा एक फोटो लेंगे प्लीज? जी बिल्कुल। थोड़ा सा आप इधर आएंगी। नाउ स्माइल। थैंक यू। You're welcome. अब आप अपनी सीट पर बैठिए प्लीज। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ हम जाएंगे, मुंबई की आन और भारत की शान, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया अरे अरे पानी पिलाओ भाई ने। I'm okay. Sorry. अरे पानी पिलाओ, ठीक हो जाओगे थोड़ा। अरे कोई पानी लाओ भाई, पानी है किसी के पास? भाई आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे क्या हो गया? I'm okay. क्या हुआ दिनेश? डॉक्टर को बुलाओ। ये तो बेहोश हो गया। ड्राइवर बस घुमाओ। अरे इसे क्या लेकर जाओ भाई? अरे इमरजेंसी कैसे, जल्दी लेकर जाओ, जल्दी लाइए। अरे जल्दी लाओ, अरे जल्दी जल्दी। अरे अरे देख आप लोग घबराइए मत, इन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। हमें नहीं बैठना अंदर, और ना ही करने दर्शन वर्शन, हमें तो बस सिर्फ जाना है। चलो। अरे भाई बस ये हॉस्पिटल का काम हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को होटल में छोड़ दूंगा। तब तक आप प्लीज आप लोग अंदर बैठिए। चलिए अंदर चल के बैठते हैं। उस गाइड को अचानक क्या हुआ होगा? मैं खुद उसकी हालत देख के एक सेकंड के लिए हिल गया। वो तो हमने अच्छा किया कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। खून 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 खून। अरे क्या हुआ, कहाँ है खून? अरे अरे ये तुम्हारी छत से खून टपक रहा है क्या ये? अरे बस की छत से खून। आओ चलो ऊपर चलकर देखते हैं। चलो चलो। समझ में नहीं आ रहा है, लगता है लड़की मर गई। कोई हाथ मत लगाओ, ये केस सीआईडी का है, मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ। हाँ हाँ। हेलो सीआईडी। फोन किसने किया था? साहब मैंने। लाश कहाँ? साहब ऊपर। चलो दिखाओ जरा, तुम बस का स्टाफ में देखा। चलो चलो चलो। लाश वैसे ही पड़ी है ना? हाँ, नहीं लगाया किसी ने? नहीं साहब नहीं। इधर खड़े हो जाओ आप लोग। बस गोली लगी है इसको तो। इसके आसपास कोई सामान, इसके साथ में कोई सामान था क्या? पता नहीं साहब। एक बात बताओ, क्या हुआ था यहाँ पे? एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताओ। ये सब लोग मुंबई दर्शन के लिए आए थे, हमारे साथ में एक गाइड भी था दिनेश, वो अचानक खांसते खांसते नीचे चला गया। वो अकेले नीचे गया? हाँ सर।
सब सब वो नीचे आके बेहोश हो गया सब, फिर हम लोग सब उसके पीछे पीछे नीचे आ गए सब। तुम लोगों ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्या हुआ था? साहब हमने उसे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोला और बेहोश हो गया। साहब सब उसी को हम लोग हॉस्पिटल में लेकर गए, जैसी वार्ड में उसको अंदर लेकर गया हम सब अपनी बस में आके बैठ गए। फिर मैंने देखा कि बस की छत पर से अचानक खून टपक रहा था साहब। और उसके बाद तुम लोग ऊपर आ गए? हाँ साहब। अच्छा कब हुआ ये सब, मतलब कब आए थे तुम लोग यहाँ पे, कितना टाइम हुआ? अब आधा घंटा हो गया। अच्छा तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी क्या? नहीं साहब, गोली वोली चलने की तो आवाज नहीं आई थी। अच्छा उस वक्त जो जो लोग थे बस में वो अभी भी हैं? हाँ साहब, गाइड को छोड़कर सब लोग यही हैं। गुड। विवेक काजल इसे जितने लोग हैं सबकी तलाशी लो, देखो गन किसके पास है, और हाँ बस को भी अच्छी तरह से ढूंढो, इन दोनों को भी ले जाओ, आप लोग भी जाइए। अभिजी इस लड़की को मरे हुए एक डेढ़ घंटा हो गया बस। घंटा डेढ़ घंटा, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि बस यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे पहले आई है, इसका मतलब ये लड़की यहाँ आने से पहले मर चुकी है। बिल्कुल कमाल है, आधे घंटे से लड़की बस के छत पे मरी पड़ी और किसी को पता नहीं चला, शुभा तो नहीं रहे लोग। तो सब और कुछ पता चल सकता है? अभिजीत यहाँ तो कुछ पता नहीं लग सकता है, एक काम करते हैं इसे लैब में ले जाते हैं, लेकिन एक बात पक्की है बस, गोली अभी भी सर के अंदर ही है, कोई एक्सिट हुआ नहीं, गोली निकाल करके देखेंगे कौन सी गन से चली है। सबकी तलाशी ले ली सर, गन किसी के पास भी नहीं है। सर बस में भी कोई गन नहीं है। ओ, लड़की को गोली मारी है बस में, मगर गन कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है गोली कहीं बाहर से मारी है। जो टूरिस्ट आए घूमने के लिए इनसे पूछताछ करते हैं, शायद इन्होंने कुछ देखा। विवेक इस लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। उस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा हो तो अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो हमें। नहीं सर हमने किसी ने नहीं देखा, जब उस गाइड को खांसी हुई थी तब वो लड़की ठीक थी सर, पता नहीं अचानक उसे किसने गोली मार दी। यही बात हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारी गोली। जब दिनेश गाइड को देखने के लिए आप लोग नीचे आए उस वक्त वो लड़की ठीक थी ऊपर? हाँ सर। और वो नीचे आई थी? नहीं साहब, शायद वो लड़की नीचे आई ही नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा साहब उसे। लगता है उसे गोली उसी वक्त मारी है किसी ने। अच्छा जब ये बस रुकी तभी कोई बाहर का आदमी अंदर घुसा था बस के अंदर? नहीं सर, बाहर का तो कोई नहीं आया था, पर उस लड़की के साथ एक लड़का था जो अब नहीं दिख रहा है सर। कौन था वो? मालूम नहीं सर। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ से कोई बाहर नहीं गया, सब यहीं पर है, ये क्या चक्कर है? पता ही नहीं चला साहब वो लड़का कब चला गया। कमाल, ये कैमरा? हाँ हाँ सर। आप लोगों ने इसे फोटो खींची? जी सर। गुड, किसी न किसी की फोटो में उस लड़के का चेहरा जरूर दिखेगा। गोली सर के ऊपर लगी है सर। हाँ तारिका, गोली सर के ऊपर लगी है और गोली सर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली है, देखो कोई एग्जिट वो नहीं, मतलब समझती हो? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि इसे गोली काफी दूर से मारी गई है, नजदीक से अगर गोली मारी गई होती तो सर फोड़ के बाहर आ जाती। राइट राइट। सोनाली क्या कहता भाई तुम्हारा ये एक्सरे? सालू के गोली ऊपर से गई, ये देखो यहाँ से घुसी है और यहाँ जाकर अटक गई। राइट। गुड मॉर्निंग सालू के साहब। हाँ गुड मॉर्निंग। कुछ पता चला आपको कि गोली कहाँ से और कैसे मारी खूनी ने? सचिन बॉस, इस लड़की को गोली बस के बाहर से मारी गई और गोली ऊपर से मारी गई। मेरे ख्याल से ये गोली 100 या 150 फीट की दूरी से मारी गई है, इसका मतलब ये गोली अचानक नहीं चली, किसी ने बहुत सोच समझ कर मारी है। हाँ काजल, हो सकता है कि ये खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो,
क्योंकि वो बस ऐसे ही नहीं रुकी आके वहां पे, बल्कि जानबूझकर रोकी गई ताकि खूनी इस लड़की का खून कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही सचिन। अब तो वहां जाकर पता करते हैं। यहां गाइड को खांसी आई पर वो बस रुकी। ये वो जगह है जहां पर खांसी आई थी उस गाइड को, और ये बस है यहीं पर खड़ी है। चलो दिखाओ कहां पर बैठी थी वो लड़की। यहां पर बैठी थी वो लड़की, उसकी लाश यहीं से मिली, यहां इस सीट पर। जी सर। लड़की यहां बैठी थी और गोली उसे सिर के ऊपर यहां दाहिने तरफ। तो इसका मतलब है गोली गोली के एंगल को देखते हुए लगता है कि गोली ऊपर से मारी गई। सारंगी ने जो कहा उसके हिसाब से गोली वहां से चली है, उस बिल्डिंग में से, बिल्डिंग के किसी फ्लैट में से, या फिर बिल्डिंग के टेरेस पर से। बिल्डिंग के टेरेस पर चल के है। देखो तो बस बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब है गोली यहीं कहीं से चली है। एक काम करते, इस टेरेस का कोना कोना छान मारते, देखते हैं कुछ मिलता है। चलो सही है। देखिए गोली का शेल, गोली का शेल कहां पे मिला है सचिन? यहां पे। तो इसका मतलब है गोली यहां पे, गोली यहां से चली यहां। और जिसने भी ये गोली चलाई है उसने ये जगह पहले यहां आकर अच्छी तरह से देखी थी। सर इस बिल्डिंग में तो कोई वॉचमैन है नहीं, इसलिए आसानी से काम कर दिया उसने। बिल्कुल बड़ी, पर एक बात है, क्यों उसने उस लड़की को क्यों मारा? ऐसा क्या था उस लड़की के पास जिसकी वजह से उसे मारने के लिए खूनी को इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी? क्यों? और सर एक बात और, गाइड को जैसे ही खांसी आई बस बराबर उसी जगह पर आकर रुकी। सर सचिन, उस गाइड के खांसी में कुछ तो छुपा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब सर? मतलब ये कि वो गाइड इस लड़की के खून में मिला। गाइड भी सर? हाँ गाइड भी। काम करो, हॉस्पिटल में फोन करके पता करो उस गाइड की खांसी ठीक हुई क्या। ओके सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। वो गाइड जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसकी तबीयत कैसी है? क्या ओके okay. क्या हुआ सचिन? सर उस गाइड की तो मौत हो गई। गाइड की मौत हो गई? नहीं सचिन, उस गाइड की मौत नहीं हुई है, गाइड का भी खून हो गया। सोनाली, इसके पेट को चेक करो, क्या है इसके अंदर? जहर खाने के साथ इसके पेट में गया है या किसी और चीज के जरिए? प्लीज देखती हूँ। सचिन,
एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस, मौत इसकी जहर की वजह से हुई। ये देखो, इसका पूरा चेहरा और होंठ एकदम नीले पड़े हुए हैं। ये जहर है किस तरह का? अभी पता चलता है। तारिका? यस सर। कुछ मिला? नहीं सर, इसके हाथों और पैरों पे कोई जहर नहीं मिला। कोई जहर नहीं मिला? नहीं सर। फिर ये जहर गया कैसे इसके अंदर? सोनाली, तुम्हें कुछ मिला? कुछ गड़बड़ है सर। क्यों, क्या हुआ सोनाली? इसके पेट में तो कहीं पर भी जहर नहीं है। कोई जहर नहीं मिल पा रहा? कमाल है यार, मौत इस आदमी की जहर की वजह से हुई है, ये बात एकदम पक्की है। लेकिन जहर कहीं नहीं मिल रहा है और बॉडी हमने इसकी पूरी की पूरी चेक। सोनाली, इसके होठ चेक करो बॉस, आई एम श्योर इसके होठों पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। वेट, कह रहे थे डॉक्टर सनके, जहर होठों पर ही लगा था। ये जहर बहुत खतरनाक है और तेजी से फैलता है। मतलब होठों पे लगते ही मौत? हाँ, बस दो चार मिनटों में। ये जहर इसके होठों पे आया कहाँ से? सचिन, कोई ना कोई चीज इसके होठों से लगी है बस। इसके होठों पे ये मेगाफोन लगा होगा जिस पे से ये बात कर रहा था। मेगाफोन चेक करते हैं बॉस, इस मेगाफोन पे ही कुछ ना कुछ मिलेगा। ले भैया, जहर तो इस मेगाफोन पे लगा हुआ है। इसका मतलब किसी ने जहर इस मेगाफोन पे लगाया, मेगाफोन उसके होठों को लगा। अगर इसकी मौत इस मेगाफोन पे लगे जहर से हुई है तो इसकी मौत वहां जाकर ही क्यों हुई? क्योंकि ये मेगाफोन तो सुबह से इस्तेमाल कर रहा था, जैसा कि सोनाली ने अभी कहा कि जहर काफी तेज है। सचिन, मुझे लगता है बस के रुकने के कुछ देर पहले इस मेगाफोन पे जहर लगाया किसी ने। मतलब लड़की को मारने की प्लानिंग की गई थी, पर बेचारा ये बेवजह मारा गया। नहीं नहीं काजल, ये बेवजह नहीं मारा गया है, बस को वहां रोकने के लिए इस आदमी को मारा गया है। लंबी प्लानिंग है। लेकिन ये लंबी प्लानिंग कर कौन सकता है? कौन हो सकते हैं वो लोग? यार पूरा बैग चेक कर लिया इस लड़की का, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बैग में नहीं है तो कहाँ होंगे? और कोई बैग भी तो नहीं था उसके पास। मुझे तो पूरा विश्वास है तो उसी के पास। एक आइडिया है। क्या? हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, गोली चलाने वाले को मालूम था कि एग्जैक्टली किस जगह पे गाइड मरेगा जहर से और कहां पे वो बस आके रुकेगी। दया, उस बस में जो भी कोई था वो इस गोली चलाने वाले का साथी था, उन दोनों ने मिलकर किया ये खून। और सर, वो लड़का जो उस लड़की के साथ में था बाद में गायब हो गया। मतलब साफ है दया। और सर, गाइड को भी पता नहीं चला कि उसके माइक पे जहर किसने लगाया है ना? यही तो बड़ी अजीब बात है कि बस में इतने सारे लोग थे और दो तो खून हुए और किसी ने कुछ देखा नहीं, ना किसी को कुछ पता भी चला। जिन जिन टूरिस्ट ने अपने कैमरे से फोटोग्राफ खींची थी उन सब के फोटोग्राफ में इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके लेके आऊं सर। गुड, चलो दिखाओ। इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, किसी न किसी फोटोग्राफ में तो होगा ही वो। एक मिनट रेडी सर, ये देखिए इसमें चेहरा छुपा हुआ है छाते की वजह से। हम्म,
दया, एक बात मार्क की तुमने, हर फोटो में इसका चेहरा छुपा हुआ है। छिपा नहीं है सर, छिपाया है। काफी होशियार लगता है ये। मतलब दया, इन दोनों खून में इस लड़के का हाथ है। हाँ सर, यही खूनी है। एक मिनट, सर ये देखिए, टूर गाइड के मेगाफोन को किसी और ने पकड़ रखा है। सिवाद दिख रहा है इसमें। हाँ सर, और उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी है। अब उसके हाथ पर जूम करो। बस देखो दया, उसके हाथ पे जो ब्रेसलेट है, देखो, अलग किस्म का ब्रेसलेट है ये। सर, इस ब्रेसलेट से ही हमें कुछ मदद मिल सकती है सर। बिल्कुल फ्रेडी, बिल्कुल। इस ब्रेसलेट से हम पता लगाएंगे कि ये लड़का है कौन। इतनी रात को हमें यहाँ बुलाया? और सबसे पहले तो इस सिक्योरिटी वाले को बदलना पड़ेगा। पता नहीं आधी रात को कहाँ जाकर के सो गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर ऐसा क्या हो गया? ए बॉस, एक आदमी घुसाया लैब में। इस लाश के पास खड़ा था मैं जब आया। लेकिन उसके पास क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था वो यहाँ पर। उनमें से कोई होगा जिन्होंने इस लड़की का खून किया। बिल्कुल हो सकता खाजा, लेकिन बॉस वो हम लोगों से बच करके जा नहीं सकता है। वो कैसे? मैंने उसकी आंखों में केमिकल डाल दिया बॉस। अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए किसी न किसी अस्पताल में सब हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लाश में ऐसा क्या है जिसके लिए वो यहाँ तक आ गया? कुछ तो जरूर होगा सर। बिल्कुल काजल, कुछ तो जरूर होगा। एक काम करते हैं, हम इस लाश को स्कैन करके देखते हैं। सचिन, मैं लाश को स्कैन करता हूँ, तुम मॉनिटर देखो। सर एक मिनट, यहाँ पे कुछ है। फ्रीज करो इमेज को फौरन। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ये कुछ है बॉस। क्या है ये? चेक करते हैं। कम देखो बॉस, यहाँ पर ये खाल कुछ अजीब सी है, राइट? चिप लगी हुई है इस लड़की की बॉडी में। मतलब इस चिप की वजह से खून हो रहा है? बिल्कुल काजल, इस चिप में ही कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए, अब अगर यहाँ भी नहीं मिला या तो भाग गया या कहीं छुप के बैठा है। मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा होगा, मैं तब तक तो उसकी आंखें खराब हो जाएगी। हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी आंखें जल गई हैं।
केमिकल से। केमिकल से जली हुई आंखें? हाँ, ऐसा कोई आदमी है यहाँ पे? हाँ, आया तो है एक आदमी और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मगर उसे जाने की बहुत जल्दी है। अच्छा, है कहाँ वो? वो देखिए उधर काउंटर पे बिल दे रहा है। ये? जी। थैंक यू सर। जरा जल्दी करो, मुझको जाना है। बहुत जल्दी में हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? डॉक्टर प्रकाश। हाँ सर। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो फिर भागा क्यों? डर लग रहा था। डर भर छोड़, ये बता उस लड़की के बारे में क्या जानता है? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। फोरेंसिक लैब में क्यों गया था? फोरेंसिक? आप कौन सी लैब की बात कर रहे हैं? याद दिलाओ, इसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। क्यों गया था फॉरेंसिक लैब में तुम? मैं एक चोर हूं, मुझे वहां किसी ने भेजा था और कहा था कि उस लड़की की लाश के पास जो भी है मुझे लाके दो। किसने? किसने भेजा था? दिखने में स्मार्ट है, हीरो जैसे बाल हैं उसके और हाथ में एक ब्रेसलेट पहनता है। ब्रेसलेट? है कौन वो? मैं नहीं जानता, पर आज मिलने वाला है वो। कहाँ मिलने वाला? मलाड नाका। मलाड नाका? ब्रेसलेट? क्या हुआ बॉस, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहे हो? घूर घूर के नहीं देख रहा हूँ, ब्रेसलेट को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या गुस्सा नहीं होना? सर बेटी क्या कर रहे हो तुम, मरवाओगे क्या? पूरा बना बनाया फेल खराब कर दोगे। अरे नहीं सर, मुझे लगा कि वही वाला ब्रेसलेट है, इसके लिए मैंने उसको पकड़ लिया। नजर को सॉरी सर। हाँ विवेक, टाइम क्या हुआ? एग्जैक्टली 12 बजे में 5 मिनट बाकी होगा। मालूम है ना, राजू ने कहा था 12 बजे के आसपास आएगा। होशियार रहना, कभी भी आ सकता है। यस सर, मैं रेडी हूँ। रेडी? सर इस बात में रेडी हूँ। ओके। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 12 बजने में अभी 2.5 मिनट कम है। थैंक यू। रेडी विवेक, होशियार रहना, लगता वो आ गया। कौन है तू? लिफ्ट है ना? अरे कौन है तू? चुपचाप बोला ना, सामने खड़ा होकर बात कर। झूठ नहीं बोला सर, सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, प्लीज सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। देखो दो दो खून किए, कुछ तो बता दे यार। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर, ट्रस्ट मी सर, सर मैं माँ कसम खाता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये तो कसम खा रहा है सर, इसका मतलब झूठी बोल रहा हूँ। देख बच्चे, राजू ने हमें सब कुछ बता दिया है, तू भी बता दे। सर मैं किसी राजू को नहीं जानता सर। कौन राजू सर? मैं नहीं जानता सर। जरा मैं पूछूं सर। हाँ भैया, लगता है तुम्हारा ही इंतजार है। अरे फॉरेंसिक लैब में जिसे चोरी करने के लिए भेजा था, उस आदमी को तो जानते हो ना तुम, या उसे भी भूल गए? सर यार सर, मुझे याद है। आया 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 आया, याद आया इसे। क्यों क्यों भेजा था उसे वहां? क्या चाहिए था उन्हें? सर उन्हें जो चाहिए था उनको मिला नहीं सर। तो फिर सर उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि उस लड़की के पास कुछ चीज है, उसके कपड़ों में या उसकी बॉडी में,
वो लेकर आनी है सर। अच्छा तो तुमने भेजा था राजू को वो चीज चुराने के लिए क्या? हाँ सर। अब चलो इतना सब याद आ गया तो ये भी बताओ वो लड़की कौन थी? हा? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं पता सर, मैं सर उसका नाम जानता हूँ सर, उसका नाम सुप्रिया, सुप्रिया आनंद है सर उसका नाम। सुप्रिया आनंद? क्यों क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा उसको सर, मैंने नहीं मारा उसको सर। तो फिर किसने मारा? तुम ही थे ना उसके साथ बस में? क्यों? हाँ सर मेरे साथ बैठी थी मगर मैंने मारा नहीं उसको सर। सर वो लड़की अमेरिका से आई थी सर, सर मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहा गया था सर, इसके लिए मुझे 2,00,000 रुपए मिलने थे सर, मुझे कहा गया उसके साथ मुंबई दर्शन करने के लिए सर, मैं गया सर। अच्छा किसने किसने कहा था तुम्हें उस लड़की को मुंबई दर्शन करवाने? किसने कहा था बताओ जल्दी। सर मैं नहीं जानता सर, मैंने उसको देखा नहीं सर। और क्या क्या कहा था उसने तुमसे? सर उसने मुझसे कहा कि गाइड के मेगाफोन पर जहर लगा दो, मैंने लगा दिया सर, और जब जहर ने असर करना शुरू किया तो गाइड खांसने लगा, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा और बस रुक गई सर। और जैसे ही बस रुक गई किसी ने सुप्रिया को गोली मार दी वहां बिल्डिंग में से, जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था गन लेके। क्यों है ना? हाँ सर। बाद में क्या हुआ? सर फिर मैं बैग लेके भाग गया सर। बैग? बैग लेके भाग गया? कहाँ है वो बैग? सर वो बैग मैंने तो उस आदमी को दिया था जो मुझे उस दिन होटल में मिला था। किसे? कौन है वो आदमी? देखा होगा तुमने उसे। सर मैं उसे देख नहीं पाया सर, मुझे बेला था मगर उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका हुआ था? क्या था उस बैग में? पता नहीं सर, उसने मुझे कहा था कि बैग के अंदर मत देखना। ये सब वो तुम्हें बताता कैसे था? क्या फोन पे? सर हाँ, वो आदमी मुझे अलग अलग नंबरों से फोन करता था सर। वो नंबर तो तुम्हारे पास होंगे ना? हाँ सर। सर ये नंबर देखो किसके फोन है। सर हो ना हो ये सब चक्कर उस चिप के लिए है। मगर सर उस चिप में ऐसा क्या है जिसके लिए उसने उसका खून कर दिया? ये तो चिप देखने के बाद ही पता चलेगा ताशा। सर हाँ, सारे के सारे फोन नंबर्स जो बाहर से किए गए किसी ना किसी पीसीओ से किए गए। पीसीओ से? कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसा है क्या इस चिप में और ये सुप्रिया आनंद है कौन। चिप खुल गया? नहीं सर, कुछ गड़बड़ है इस चिप में। नहीं नहीं कोशिश करो, जल्दी खोलने की कोशिश करो, पता तो चले है क्या इस चिप में जिसकी वजह से खून हुए। यस सर। जल्दी करो। हाँ दया कुछ मिला? हाँ सर, सर ये मोंटी आनंद है, हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये आदमी 10 साल पहले इंडिया छोड़ के भाग गया था, ये अमेरिका चला गया सर। मरी हुई लड़की सुप्रिया आनंद का बाप है ये। तो ये मोंटी सुप्रिया का बाप है? क्यों भाग क्यों गया था ये इंडिया छोड़कर? सर ये आदमी एक छोटा मोटा चोर था, पुलिस हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई, देश छोड़ के भाग गया। और 10 साल के बाद में बेचारी बेटी इंडिया आई तो किसी ने उसका खून कर दिया। सर इस तरह के लोगों के तो हजारों दुश्मन होते हैं, हो सकता है सर किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल ली। सर ये मोंटी आनंद अचानक इंडिया छोड़ के भाग गया था तो हो सकता है शायद इसने कोई चोरी का माल यहाँ पे इंडिया में छुपा के रखा और अपनी बेटी को भेज दिया निकलवाने के लिए। हाँ और शायद खूनी को लगा होगा कि सारा माल सुप्रिया के बैग में, तो सुप्रिया का खून कर दिया और बैग लेकर भाग गया। मगर उनको उस बैग में कुछ मिला नहीं। हाँ मगर ये माल है कहाँ? सर हो सकता है इस चिप में उस चोरी के माल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। हाँ हो सकता है, आओ देखते हैं। ताशा कुछ पता चला? सर ये किसी पासवर्ड के बिना नहीं खुलेगा, कोई खुफिया वर्ड, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। ताशा नॉर्मली पासवर्ड के लिए किसी का नाम होता है या फिर कोई जन्म तारीख होती है या फिर किसी शहर या गांव का नाम होता है। ये मोंटी आनंद कहाँ रहता था? सर मेहरूपाड़ा में। मेहरूपाड़ा? देखो जरा टाइप करो मेहरूपाड़ा। खुल गया सर। यस। ये क्या है? ये है क्या? सर ये तो किसी घर का स्केच लगता है। दया चल, कहीं वो माल इस घर में तो छुपा के नहीं रखा है? ओ इसीलिए वो लोग ये चिप ढूंढ रहे थे। ठीक काम करो दया, ढूंढो इस घर को।
देखिए सर, यही घर की फोटो है, हम लोग सही जगह पे आ गए। घर की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से बंद पड़ा है। दो दो खून हुए इस घर की वजह से। घर की हालत खराब लगती है, फिर भी ऐसी कोई चीज यहाँ पे छुपाई गई है जिसके वजह से वो गाइड भी मारा गया और वो लड़की भी। हाँ सर, वो लड़की ये चिप अपने हाथ के खाल में छुपाकर घूम रही थी। इसका मतलब इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जो उस खूनी को चाहिए। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसने जा रहे हो आप लोग? तुम अभी तक कहाँ थे? बाथरूम गया था। इतना लंबा बाथरूम? बाथरूम में सो गए थे क्या? अभी कभी इमरजेंसी हो जाती साहब। लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग CID से। CID? सॉरी साहब, गलती हो गई। अच्छा, इस घर में कोई आता जाता है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, तुम यहीं चुपचाप खड़े रहो, समझे? जी साहब। वाकई लगता है इस घर में सालों से कोई नहीं है। काम कर रहे हैं, इस घर का कोना कोना छान मारो, शायद वो चीज यहीं पे कहीं छुपाई गई हो। सर, अंदर कुछ नहीं है सर। अंदर कुछ भी नहीं है तो शायद बाहर होगा, बाहर चल के देखते हैं। बाहर भी हो सकता है कुछ। कुआं? मेमोरी चिप में जो नक्शा था उसमें भी कुआं जैसा कुछ बना था। कहीं इस कुएं में कुछ छुपा के तो नहीं रखा है? चलो देखते हैं। इस कुएं में कुछ हो सकता है। सर, मैं जाके देखूं? एक मिनट दे, पढ़ लो, ऐसे लिख लो। सर, संभाल के चलो, ध्यान से दे। संभाल के जाना। काफी गहरा। मिला कुछ? सर, अंदर बहुत खंदगी है सर, लेकिन एक मटके जैसी कोई चीज है सर। मटका? ले जाओ उसे, जल्दी। बहुत देर हो गई सर, ऊपर नहीं आया। सर, ये पोटली जैसा कुछ दिख रहा है सर। हीरे? हेलो, हाय, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
इतने कम वक्त में मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? देखो मैं कुछ कोशिश करता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। हाँ। क्या हो सचिन? हाँ, हाँ सर। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। आदया, घर का कुछ पता चला? हाँ सर। और वो हीरे? सर आपको कैसे पता चला कि हमें हीरे मिल गए? मोंटी के फाइल से पता चला दया। फाइल से पता चला कि हिंदुस्तान से भागने से पहले मोंटी किसी डायमंड फैक्ट्री में काम करता था। और उस डायमंड फैक्ट्री से 50 करोड़ के हीरों की चोरी हुई थी जिसमें मोंटी का हाथ था। मोंटी ने वहां पर काम करने वाले तीन लोग घनश्याम, रौनित और शमशेर इनके साथ मिलकर चोरी की थी। मोंटी तो भाग गया लेकिन घनश्याम, रौनित और शमशेर पकड़े गए। उस दिन से आज तक उन हीरो का क्या हुआ किसी को नहीं पता। और फिर सबूत ना होने की वजह से ये घनश्याम, रौनित और ये शमशेर तीनों के तीनों छूट गए। ये देखिए सर, ये है वो हीरे। ओहो, इसका मतलब सर मोंटी ने अपनी बेटी को 10 साल के बाद इंडिया भेजा ये हीरे लाने के लिए। ताज्जुब की बात है सर कि इन तीनों को एक एक बात मालूम थी। सर हमें रौनित, घनश्याम और शमशेर इन तीनों को ढूंढना चाहिए सर। सचिन ये हीरे संभाल के रखो तिजोरी में, कोर्ट में दिखाने होंगे। सर जी सर। बार बार क्यों फोन आ रहे इसके? ये तो यश का फोन है, लगता है उन्हीं लोगों का होगा जिसे ही मिला हुआ था। हेलो, डायमंड्स मिले या नहीं? हाँ डायमंड्स मिल गए मुझे। वेरी गुड, ये तुमने अच्छा काम किया। मालूम है पूरे 50 करोड़ के हैं। हाँ मुझे मालूम है, और इसमें से मुझे मेरा भी हिस्सा चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए इसमें से। अबे पहले आके मिल फिर हिस्से की बात करना। नहीं पहले तुम मेरे हिस्से की बात करो। देखो मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। देखो हाँ करते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और के पास जा सकता हूँ। ये मत भूलो कि हीरे मेरे पास है। अरे यार तुम तो नाराज हो गए, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे, बोलो कहाँ मिलना है। पता चुपचाप सुन लो, मड आइलैंड के पीछे जो पीला वाला बंगला है, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रुक जाओ। कौन हो तुम? अरे कमाल की बात कर रहे हो आप लोग, आपने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। हमने बुलाया था। आपने तो मुझे फोन किया और कहा कि मैं हीरे लेकर मैं यहाँ आ जाऊँ। हीरे लेकर आ? हाँ। तुम ए, गोली मत चलाना। तुम सीआईडी वाले हो ना? देखो मैंने सीआईडी छोड़ दी है। मैं सीआईडी में काम नहीं करता, सीआईडी छोड़ दी है मैंने। क्यों? सीआईडी में इतना पैसा कहाँ मिलता है लाइफ चल सके। मैंने सोचा कि ये आपको देखे और मैं मुझे पैसे मिल जाएंगे। ओ, तो ये बात है,
तो फिर यश किधर है? यश को तो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया, वो उसी ने मुझे ये दिया और कहा कि आप लोगों को ले आके दे दूं और अपना हिस्सा ले लूं मैं। बहुत चालू है हाँ। चल तेरे को तेरा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं हीरे दे, चल अबे हीरे दे। मुझे मेरा हिस्सा तो मिलेगा ना? हाँ हाँ दे देंगे, दे 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 हीरा दे। अबे दे। ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा हुआ कि तूने सीआईडी खुद छोड़ दी। ऐसे बेवकूफ आदमी का सीआईडी में क्या काम? क्या मतलब आपका? जिन हीरो के लिए 10 साल हम भूखे प्यासे बैठे रहे और तुम्हें बैठे बैठे हिस्सा दे दे, पागल कुत्ते ने काटा क्या हमें? तो ये गलत बात है। आप लोग ने वादा किया था कि मुझे मेरा हिस्सा देंगे आप लोग। तेरे हिस्से में तो ये है 150 रुपए की गोली है। ले चल। नहीं 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 नहीं, हमारे रहते हुए भाग निकलोगे तो हमारा सीआईडी में होने का क्या फायदा? चल। हमने सब कुछ नहीं किया। आपका सीआईडी का आदमी है, ये हीरा लेके आया था साहब। आपको धोखा दिया है साहब इसने। अच्छा सचिन, गुड जॉब, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। थैंक यू सर। धोखा, हमारे साथ धोखा। सुना होगा तुमने, जैसे को तैसा, और एक सीआईडी वाला कभी बिक नहीं सकता। दो लोग खून करके बैठा है और तू धोखे की बात कर रहा है? चल अब जेल में बैठ के हीरों के बारे में सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक, समझा? भेजो इसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।